मैं धर्मेंद्र कुमार, समाज सेवा संस्थान 18 सितंबर 2001 से समाज सेवा संस्थान में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं, हम समाज सेवा संस्थान का एक परिचय देते हैं। समाज सेवा संस्थान 18 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। 1860 एक्ट के अंतर्गत, धारा 21 के अंतर्गत, और इस संस्थान के पास गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा FCRA भी है, जो फॉरेन कंट्री रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से विदेशी पैसा लेने का अधिनियम से रजिस्टर्ड है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से जो 12A ATG होता है, जो आयकर में छूट मिलती है, ये सभी लीगल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ जो संस्था के जो रजिस्टर्ड है भारत सरकार द्वारा, यह संस्था लगातार 20 सालों से 21वां साल चल रहा है, लोगों के बीच में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों को एक कमेटी बना करके लोगों को स्वास्थ्य की जानकारियां लोगों तक पहुंचाया है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है लोगों तक बताना, उनको जागरूक करना संस्था का मेन उद्देश्य भी है, कि लोगों को यह जो सरकार के बीच का जो योजना है, जो गांव स्तर के लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक पहुंच सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के जो सरकार के जो स्कीम है, जो संस्था के उद्देश्य थे, लोगों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के लोगों के बीच में आगे इस संस्था के माध्यम से काम किया जा रहा है। लगातार हम लोगों ने रिसर्च किया, पता चला, और बहुत सी समस्याएं रहीं। लोगों के पास जब जाते थे रोजगार नहीं था, गांव में लोग जो है रोजगार को लेकर के बहुत ही क्वेश्चन करते थे कि हमको रोजगार नहीं है, कहां से रोजगार मिलेगा। लेकिन संस्था की एक कोर कमेटी बनाई गई, जिसमें से 11 लोगों ने एक रिसर्च किया, लगातार 3 सालों तक रिसर्च की हमारी टीम। उस रिसर्च के बाद ये हम लोगों ने लोगों का एक संगठन बनाना शुरू किया, और जब संगठन बनाना शुरू किया तो मुख्य उद्देश्य था हम लोगों को जो नौजवान हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ना। और जब रोजगार से जोड़ने की जब हम लोगों ने प्रयास किया, एक उनके अंदर रोजगार उनको कैसे मिले, उसमें बहुत से ऐसे समुदाय हमारे बीच में हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बहुत कम बिल्कुल निरक्षर हैं, जो परिवार, उनको भी रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी उनके पास रोजगार नहीं है, टेक्निकल जानकारियां हैं, उनको भी हमने अपने संस्था के तहत लोगों को अपने इस ग्रुप में जोड़ने का प्रयास किया। उसके अलावा उन बच्चों का हम लोगों ने एक टीम बनाया, और टीम बना के हम लोगों ने काम किया, और धीरे धीरे इस 3 सालों के रिसर्च के बाद हम लोगों को एक अच्छी पहल करने का मौका मिला दोबारा। फिर हम लोगों ने जनपद महाराजगंज को कवरेज एरिया में लिया, जिसमें 500 परिवारों तक हम लोगों ने काम करने को लेकर के काम किया, जिसमें सभी लोगों को समाज सेवा संस्थान के माध्यम से 6,625 रुपया, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में उनके पास पहुंचा, बहुत खुश नज़र आए और काम करते गए। इसी तरह से जैसे ही हम लोगों ने गोरखपुर मंडल को कवरेज किया, जिसमें से 1,000 परिवार हो गए, और जैसे ही 1,000 परिवार हुए, सभी लोगों को कहीं ना कहीं समस्या है, धीरे धीरे हमारी गति जैसे ही बढ़ती है, जब उनके खातों में जो हमारे संस्था के सभी सदस्य के पास खाते में जब पैसा पहुंच जाता है, तो बहुत ही अपने आप को धन्यवाद महसूस करते हैं, थोड़ा धैर्यता बनाए रहते हैं, लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। तो लगातार हम लोगों ने काम किया। अभी हम आपको आगे कुछ चीज़ों को दर्शाएंगे, जो हम लोगों ने गांव में जाकर के पहले एक डोर टू डोर संपर्क किया, जो कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं संस्था के, वो मीटिंग में एक सेमिनार किया जाता है, जिसमें सभी लोगों को एक बड़े स्तर का बुला करके उनको मीटिंग दिया जाता है, फिर उन्हें सम्मानित किया जाता है, और हर मंथली जो भी उनके पास इनकम बनता है, किसी का 6,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 9,000 है, जैसे लोगों ने काम किया वैसे उनके खाते में पेमेंट जाती है। हम लोगों ने इस रिसर्च को बड़े पैमाने पर लाने के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने के लिए लगातार हम लोगों का प्रयास जारी है। इस समय हम लोग सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं,
और जो भी हमारे पास सदस्य हैं, जब हम लोगों ने जब शुरुआत किया तो बहुत लोग सोच विचार करके आते थे, बहुत सी ऐसी कंपनी आए, बहुत सी ऐसे लोग आए, लोगों को रोज़गार नहीं दिए। क्वेश्चन लगातार मिलता गया, हम लोगों ने समाधान ढूंढा। उसका समाधान से फ़ायदा ही मिला कि जब एक गांव में एक लोगों को जब रोज़गार मिल जाता है तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और हम लोगों को धन्यवाद देता है। तो ऐसे परिवारों को हम लोग ढूंढते हैं, चलाते हैं, उनको भी हम लोगों ने अपने इस ग्रुप में जोड़ा है, ताकि जो लोग काम करने वाले नहीं हैं उनका काम, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, जो नेट के सिस्टम को जानते हैं, उनको हम लोगों ने जोड़ा। उस एक ग्राम पंचायत में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग जो वीडियो चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो तमाम ऐसी फंडिंग एजेंसियां हम लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। हम लोगों ने रिसर्च किया कि पैसा हमारे पास कैसे आएगा, तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो यूट्यूब भी एक पैसा दे रहा है, और यूट्यूब जो है वीडियो के माध्यम से। जब यूट्यूब को रिसर्च किया तो हमारे पास बहुत कम पैसा आता था उस समय। उस समय हम लोगों ने 10 लोग मिलकर के सिर्फ $6-5 कमा पाते थे, और उन्हीं लोगों में हमने 3 साल लगातार खर्चा किया। उसके बाद पता चला इसको बड़े पैमाने पे करने के लिए और लोगों के साथ आना पड़ेगा, तो हम लोगों ने जो ग्रुप सदस्य लोग हैं संस्था के, उन्हीं के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो पैसे आते हैं, सभी मेंबर्स को हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आगे हमारे पास धन कमाने का एक लोगों के साथ तमाम जो फंडिंग मिलती थी हम लोगों ने स्वतः फंड अरेंज किया, ताकि हम लोग जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनमें भी पैसा बांट सकें, लोगों के बीच में बांट सकें। तो हम लोगों ने तैयार किया और रोज़गार का माध्यम एक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने खड़ा किया, और आज के समय में 1000 हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, आगे अगले जो हमारे पास सेशन होगा वो कम से कम 10,000 कार्यकर्ता होंगे जो बिल्कुल बड़े पैमाने पर काम कर रहे होंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग कवर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें आप सभी मेंबर्स के माध्यम से जो सेमिनार होती है उसमें सभी लोगों को सर्टिफिकेट के माध्यम से जो पहुंचता है खाते में, तो उस तरह से लोगों के एक मन में भावना पैदा होती है, मुझे भी एक समाज सेवा करना चाहिए। तो हम लोगों ने लोगों के बीच में जाकर के जो तमाम ऐसी भ्रांतियां फलती थी, तो नए समाज का एक निर्माण करने के लिए समाज सेवा संस्थान एक नए ग्रुप के माध्यम से काम कर रहा है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के प्रति जागरूक करता है, और जागरूकता के माध्यम से सभी लोगों को रोज़गार भी मुहैया करा रही है, और रोज़गार के साथ साथ में उनके बच्चों के शिक्षा को स्तर को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं उनको घर पे ही अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, इस तरह से वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया, और फिर आगे उसको लोगों के बीच में प्रसारित किया, प्रचार प्रसार किया, और धीरे धीरे बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है, और इस प्रचार के माध्यम से सभी एक दूसरे का पैसा कमा रहे हैं, और सभी एक दूसरे का। सभी मेंबर से मेरा एक ही अपील है, जो भी काम कर रहे हैं, तन मन और एक रास्ते पर चलने का प्रयास करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे का सहयोग की भावना रखिए, निश्चित ही आप एक दिन बड़े पैमाने पर हम लोगों के साथ पूरे भारतवर्ष में हम लोग काम करेंगे, और इस तरह से आप सभी सदस्य बंधुओं, भाइयों, बहनों से निवेदन है, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जब तक ये हम लोग बताएंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, तब तक कोई जागरूक नहीं होगा। तो आगे चलते हैं समाज सेवा संस्थान के मेंबर के पास। रामप्रीत एक यादव हैं जो इनके घर पे पहुँचे हैं, इनके बच्चे का क्या नाम है? उग्रसेन यादव। दोनों लोग जो है संस्था में जुड़े, और जुड़ने के बाद यह 6625 कर चुके हैं, और आगे ये लोग निरंतर काम पे लगे हुए हैं। लॉकडाउन के वजह से लोग काम नहीं कर पाए, इस समय अब काम कर रहे हैं, और मात्र 2 महीने में ही 6625 रुपये पा लिए, और आगे ये लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। तो आपको जो 6625 पाए, तो आपको कैसा लगा? हमको बहुत बढ़िया लगा, और फिर आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं, और इनके माध्यम से और भी लोग देख करके, विचार करके, एक किसान होते हुए ये सब्जी की खेती करते हैं, उसके साथ साथ में ये समाज सेवा भी कर रहे हैं लोगों के बीच में, फिर भी इनको जो है संस्था ने पैसा दिया, इनके बच्चे को भी दिए, और एक काम कर रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद अपनी पत्नी को इन्होंने जो है मेंबर बनाया, उसके बाद वो भी काम कर रही हैं।
इस तरह से लोगों को संस्था द्वारा बहुत सी धनराशि मिल चुकी है, जिसमें 200 से अधिक परिवारों को 6625 गया है और 8000 भी गया है, 10000 भी गया है। ऐसे परिवार को हम लोगों ने टारगेट बिंदु पे लिया और उन संस्था से जो है सदस्य बना करके उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी ग्राम चबा फरिंदा का है और फरिंदा का इस शहरी में जंगल का एरिया गांव है और इसी ग्राम सभा में से ये लोग जा कर के महाराजगंज में लाभ ले रहे हैं। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद इनके घर पर आकर के मिले और इनको भी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये जो है इस गाँव के इस जंगल एरिया से पहुँच करके अपने एरिया में काम कर रहे हैं और यहाँ से जुड़ के काम कर रहे हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद। मेरा नाम गजेंद्र कुमार है और मेरे गांव का नाम ब्रातगाड़ा है। ब्लॉक फरिंदा जिला महाराजगंज का निवासी हूं। विगत 3 महीने से मैं समाज सेवा संस्था का सदस्य हूं। मुझे अभी तक इस संस्था से 15,370 मिल चुका है विभुत 3 महीने में। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे नौजवान युवा इस संस्था में जुड़ें और सभी लोग इस तरह पैसे कमाएं। मैं डिप्लोमा करके काम के लिए बहुत जगह भटका और रोज़गार हमको नहीं मिला घर, और मैं कई जगह नौकरी भी किया और मुझे उन पैसों से संतुष्टि नहीं मिला। लोहर जी ने समाज सेवा संस्थान के बारे में बताए, तभी से मैं इस संस्था में जुड़ करके इसमें काम कर रहा करके विभुत 3 महीने से मैं इस संस्था से जुड़ करके काम कर रहा हूँ और मुझे पैसे की दिक्कत नहीं हो रहा है। मुझे हर बीमारी में और हर परिस्थिति में ये संस्था हमारा सहयोग किया है। मैं समाज सेवा संस्था को धन्यवाद देता हूँ, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जैसे नौजवान लोग इसमें जुड़ करके काम करें और पैसे का लाभ उठाएं। मेरे द्वारा इस संस्था में अभी तक 38 से 40 लोगों को मैं अपने जैसे को ज्वाइन कर दिया हूँ, इस संस्था से पैसा कमा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस संस्था में और से 200-300 लोग अलग से और से ज़्यादा जुड़ करके इसमें काम करें और इसका लाभ उठाएं। और इस संस्था का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि ये संस्था हर परिस्थिति में हमारा सहायता करती है। इस संस्था का मैं शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम कन्हैया लाल है, मैं समाज सेवा संस्थान में काम करता हूँ और आप भी समाज संस्था में जुट जाइए। हमको 6625 रुपया मिल चुका है चौथे लेवल पर। वॉलेट में हमारे वॉलेट में 22,933 रुपया है, 6625 मिल चुका है, चौथा लेवल पर पहुंचा हूं और मैं रजिस्ट्रेशन यहीं से करता हूं और एक लोगों को जोड़ने जा रहा हूं। और हमारा 28 फरवरी का ज्वाइनिंग हुआ है और इसमें करीब 200 लोगों को 6625 रुपया पेमेंट हो चुका है। हमारा नाम परमिला है, सुषमा माँ के रहने वाले हैं। हम समाज सेवा संस्था में सदस्य हैं। मुझे 6625 रुपया मिल चुका है। हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी लोग जो हैं वो इसमें जुड़ें और सब जुड़ कर अपना लाभ उठाएँ। रामचंद्र ग्राम सिस्वा मामा कोशुरी भाषा जिला महाराज के 28 निवासी हूँ। 6625 रुपया। मेरा नाम है उर्मिला, हम बोल रहे हैं लक्ष्मीपुर देवरुमा से। हम समाज सेवा में संस्था में हम जुड़ रहे हैं। हम जुड़े हैं समाज सेवा में संस्था में हम जुड़े हैं और सभी लोग जुड़े हैं और उसके बाद लाभ उठाएँ संस्था में। मेरा नाम गुंजा सोनी है, मैं ग्राम सिस्वा मावा की निवासी हूँ और इस समाज सेवा संस्था में मैं सदस्य हूँ। मुझे 6625 का विड्रॉल मिल चुका है, महीने में जो मिलने वाला है 8000। और हम चाहते हैं कि आगे जो बहने हैं इसमें जुड़े और सदस्य बने, इसका लाभ उठाएं और इस समाज सेवा संस्था में जुड़े। मेरा नाम परमेंद्र कुमार है, मैं ग्राम गढ़वा टोला सपई पोस्ट बरगदवा हरियाणा थाना फरिंदा जिला महाराजगंज का स्थायी निवासी हूँ। समाज सेवा संस्था में काम कर रहा हूँ। 6600 रुपये मैंने पा चुका है। मेरे अंडर में 60 लोग काम कर रहे हैं, वो भी जो है पा रहे हैं। मेरे जैसे
नौजवान साथियों भाइयों बहनों से मेरा यही जो है निवेदन है कि समाज सेवा संस्था में जुड़ें और जिस तरह मैं कमा रहा हूं उस तरह वो भी जो है 6,600 रुपये कमाएँ। मैं समाज सेवा संस्था का शुक्रगुजार हूं जो इस समय लॉकडाउन के समय में मुझे रोज़गार दिया। यही गुजारिश है सभी लोग समाज सेवा संस्था में जुड़ें और इसका जो है लाभ उठाएँ। और इतने कौन रुक गया था, धीरे 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 उसका समाप्त हो गया। और एक दिन जब वो रोने लगा, पैसा नहीं था, हमारे पास सभी सुख दौलत हमारे पास मौजूद था, हमारा भाग्य खराब है, हम बहुत ही दुर्भाग्य वाले व्यक्ति हैं, ऐसा अपने आप को पोष रहा था। हमारे पास धन दौलत होते हुए भी धन दौलत नहीं रुक रहा है, तो राही करती में नहीं तब तक तुम्हारे पास दौलत नहीं रहेगी। उसके बाद सोचा, ये लग रहा है पागल आदमी है, आपको भाग्य खोजने के बोल रहा है, भाग्य जो है दूर चला गया। उसके बाद जो है फिर रात को जब सोया तो सपना देखा, ये दूर पहाड़ी पे जो है एक भाग्य है जो हमको बुला। सिर्फ रास्ते में एक शेर मिला, और जब शेर मिला तो शेर जो है उसको पीछे दौड़ाने लगा, और जब दौड़ाने लगा तो शेर ने कहा, रुको,